तो दोस्तों निश्चित रूप से डायरी वाला वीडियो मैंने बनाया था, पिछले वीडियो में गब्बर वाला बनाया था, जो वीडियो थोड़ा से लंबा हो गया क्योंकि बहुत ही मजेदार था, तो उसी का मैं 60 वीडियो लाया हूं। यदि आपको मैं ये कहूं, और याद रखिए ये जो प्रश्न है ना पीएससी लेवल का प्रश्न है, जिसको पीएससी के प्रश्न में जस्ट अभी पूछा गया था एक दो माह पहले, तो निश्चित रूप से ये जो प्रश्न है बहुत ही यूनिक है, और इस प्रश्न को मैं आपके सामने बहुत ही सरल तरीके से रखने वाला हूं। चलिए अगर मैं आपको ये कहूं कि आपके पास कोई पुस्तक है, कोई डायरी है, और उस डायरी का एक पेज को फाड़ दिया जाए, उस डायरी या फिर पुस्तक के एक पेज को फाड़ दिया जाए, और उस पुस्तक में जितने पेज बच जाए उस पेज में जो भी अंक लिखे होते हैं, अब चूंकि एक पेज में दोनों साइड लिखाता है, तो वो दोनों सब शुरू से लेकर आखिर तक के सभी पृष्ठों का जो अंक लिखा उनका योग किया जाए, वो आपको बता दिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि बीच का कौन सा पेज फाड़ा गया है? चलिए मैं आपको बता दूं, एक डायरी है, ठीक है, एक डायरी है, और उस डायरी के सभी पृष्ठों का योग किया गया जबकि उसमें से एक पेज को फाड़ दिया गया है। फाड़ देने के बाद उस डायरी में जो पेज बचे हुए हैं उनका योग किया गया, तो उसका उत्तर कितना आया? 1252। ये वो पुस्तक है, ये वो डायरी है जिसका एक पेज फाड़ दिया गया है, और इसका एक पेज फाड़ने के बाद, ठीक है, उनके जितने भी पेज बचे रहे होंगे उस पेज का योग किया गया है, तो 1252 आ रहा है। और याद रखिए ये जो है पीएससी लेवल का प्रश्न है, जो इसी साल पूछा गया था, और इसको हम बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। इसी टाइप के और शानदार वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर देगा। पूरा बेसिक बता रहा हूं, लेकिन ये वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं, इसका पूरा बेसिक जानना है तो ऊपर आई बटन में इसका लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसको देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आए जिसमें पेज को पहले से फाड़ दिया गया है, उसके बाद पृष्ठों को योग किया गया है, और उसको योग करने के बाद इस प्रकार उत्तर आ रहा है, आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी उत्तर दिया होगा पृष्ठों का जो योग दिया हो गया उसको आपको क्या कर देना है, जस्ट दुगुना कर देना है। दुगुना कर देंगे तो 2 × 4 और 5 × 10 का 0, फिर 12 × 24 और 25 कर देते हैं। ऐसा कर देंगे आपका एक पेज फाड़ा गया है जो भी योग दिया गया होगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाएगा, तो जो भी योग दिया गया होगा ये आ गया, इसका हमने ये योग है इसका दुगुना कर दिया, इतना आया। जो भी उत्तर आया होगा भाई, जो भी उत्तर आया होगा उसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, या फिर ये कहा जाए उनसे जस्ट पहले का पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहां पर देखिए 2504 है, तो हम इसका पूर्ण वर्ग संख्या निकालें तो यहां पर 5 आएगा, और यहां पर हम 0 मान लेंगे, क्योंकि इसको हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, 4 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 50। अब याद रखना है कि ये जो 50 आया है वो लास्ट पेज का, देखिए ये तो हमें याद हो चुका है, इनको हम क्या कर देते हैं, एक जगह लिख के रख देते हैं, 1, 2, 5 और 2 इतना योग था, ठीक है, तो इसको हमने यहां पर लिख दिया और इसको हम कर दिए लाल, और हमारा उत्तर आ रहा है 50। ये आया है 50, क्या है ये 50 जो है भाई, अब जब तक आपको 50 क्या है ये समझ नहीं आएगा तो आप गणित कैसे बना पाएंगे। तो कोई भी पुस्तक में जो पेज होते हैं ना, ये देखिए इस प्रकार पेज होते हैं, तो उसके पहले पेज में 1 और 2 लिखाएगा, दूसरे पेज में 3 और 4 लिखाएगा, तीसरे पेज में 5 और 6 लिखाएगा, इसमें 7 और 8 लिखाएगा, 9 और 10 लिखाएगा। इस पेज को देखने से आपको क्या समझ आया, इस पेज को देखने से यह समझ आ रहा है कि कोई भी पेज में लास्ट में सम संख्या लिखाता है, तो लास्ट में यहां पर जो 50 आया था, हमारा जो उत्तर में जो 50 आया था ना, यहां पर जो 50 आया था वो उस लास्ट पेज का, इसके बाद एक और पेज आएगा उस लास्ट पेज का, इसके बाद बहुत सारे पेज आएंगे, उसके लास्ट पेज का जो अंक है वो 50 है। ये जो उत्तर आता है वो लास्ट पेज का अंक आता है, ठीक है, तो इससे पहले 49 रहा होगा, इसके पहले कोई और पेज रहा होगा, बहुत सारे पेज रहे होंगे, इनके बीच में बहुत सारे पेज रहे होंगे, उनमें से किसी एक पेज को फाड़ा गया हो सकता है, वो ये पेज भी हो सकता है, ये पेज भी हो सकता है, कोई भी एक पेज को फाड़ा गया है। तो हमको क्या मिला, 1 से लेकर देखिए अगर हम इसको गिने तो 1 से लेकर लगातार 50 अंक हमें मिल रहे हैं, अर्थात उस पुस्तक में कितने पेज रहे होंगे, पेज पूछे तो आपको क्या करना है, ये पृष्ठ की संख्या है, लास्ट पेज में पृष्ठ की संख्या है, कितने पेज थे पुस्तक में या डायरी में कहे, इसको आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, अर्थात उस पुस्तक में कितने पेज रहे, 25 पेज रहे होंगे, पृष्ठों की संख्या कहा जाए तो 50 और लास्ट में 50 लिखा हुआ, यह भी याद रखना है, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब हमें यह समझ आ गया है कि उस पुस्तक के लास्ट पेज में 50 अर्थात एक से लेके 50 तक अंक अंकित है। अब इसी का हमें योग निकालना है, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि टोटल 50
अंक लिखा हुआ है, 50 संख्या है मतलब, तो 50 प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये 50 गुणित 51 बटे 2 कटाएंगे, यहां पर 25 बराबर, यहां पर कितना आएगा 51 गुणित यहां पर आ जाएगा 25, 25 से कम 25 का 5, हासिल कितना आ गया 2, 125 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 127, अर्थात 1275 इसको हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, इतने भाग को हम लॉक कर देते हैं, ये लो चलो अब इतने भाग को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले से पता है कि शुरुआत में उस पुस्तक में जब योग करके बताया गया था, परीक्षा में यही दिया गया होगा, उस पृष्ठों का योग 1252 है जबकि एक पेज को फाड़ा गया है और उस पेज में 2 अंक लिखे रहे होंगे, है ना, क्योंकि दोनों साइड, तो हमको पता है कि इतना पहले से दिया है जिसमें फाड़ा गया है तो वो अंक कम होंगे, और ये उस पेज का है, वो पेज भी एड है इसमें जिसको नहीं फाड़ा गया है, फाड़ा गया वाला ये है, और ये नहीं फाड़ा गया था तब योग इतना आएगा। तो कोई भी व्यक्ति जान जाएगा कि जब पेज को नहीं फाड़ा गया है तो योग इतना आ रहा है तो ये वाला कम होगा, तो आपको क्या करना है, ये वाला संख्या को आपको माइनस कर देना है, माइनस कर देंगे तो यहां पर 3 आएगा, यहां पर 2 आएगा और ये तो कटमट हो गया। क्या समझ आया, यहां पर योग कितना आ रहा है 23, अर्थात वह पेज जिसको फाड़ा गया है उसके दोनों साइड अंक लिखे होंगे, एक साइड 2 साइड, और उन पेज का जो योग है रे भैया, वो जो पेज दिया है ना उनका जो योग है वो 23 है भाई, अर्थात योग कब 23 आएगा, अर्थात उस पेज के एक साइड 11 लिखा होगा, एक साइड 12 लिखा होगा, तो उत्तर कितना आएगा 23, अर्थात जिस पेज को फाड़ा गया है वो कौन से नंबर का पेज है, अगर आपको परीक्षा में ये पूछ दे कौन से नंबर का पेज है, तो ये जो लास्ट डिजिट दिया है, लास्ट डिजिट आपने ये निकाला ना, जैसे 11 और 12, तो 12 को आप भाग दीजिए तो आपको क्या उत्तर आएगा 6। अब पेज को गिनेंगे ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठवां पेज को फाड़ा गया है, उस छठवें पेज में आपको क्या मिलेगा, छठवें पेज को फाड़ा गया है तो छठवें पेज में कौन कौन से अंक रहे होंगे, 11 और 12। तो ये आपको समझ आ गया। अब आपको आपके प्रश्न में जो भी उत्तर दिया होगा कि उन पृष्ठों का योग कितना है, तो 23 आएगा, कौन सा पेज फाड़ा गया है, तो छठवां पेज आएगा, कुल कितने पृष्ठ थे, है ना, कितने पृष्ठ थे बोलेंगे, तो हमने शुरुआत में निकाले थे 50 पृष्ठ थे, कुल कितने पेज थे, कागज कितने कागज थे, पेज थे, तो कितने आएंगे 25। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत आसानी समझ आया होगा, और आज के बाद आपको इस पेज वाले कोई भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बगल में आपको वीडियो दिखाई दे रहा है गब्बर वाला ना, ये फुल वीडियो है, एकदम पूरा डिटेल में बताया गया, इसको क्लिक करिए और शानदार तरीके से पूरा सीख लीजिए, ताकि आज के बाद आपको और कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़े। गणित के शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।